नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं किडनी स्टोन की प्रॉब्लम में आप क्या खाएं और क्या ना खाएं। दोस्तों अगर आप उचित खाना नहीं लेते हैं या उचित डाइट नहीं लेते हैं तो आपकी किडनी स्टोन की प्रॉब्लम बार बार होती रहती है और आप बार बार किडनी की स्टोन की प्रॉब्लम से परेशान रहते हैं। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं। मैं हूँ नीरज और स्वागत करता हूँ आपका अपने मेडिकल और हेल्थ केयर चैनल नीरज मिड हेल्थ में। दोस्तों हमें सबसे पहले जो चीज़ अवॉइड करनी है, पहले नंबर पे आपको साल्ट अवॉइड कर देना है। साल्ट की मात्रा अगर आपके बॉडी में ज़्यादा रहेगी तो आपके किडनी का फिल्ट्रेशन रेट कम हो जाएगा। वो ज़्यादातर आयंस जो होते हैं जैसे कि कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम, इन सभी को एकत्रित कर लेती है आपके बॉडी में। उनका जो मात्रा है वो बढ़ जाता है जिसकी वजह से वो किडनी में जब जमा होते हैं तो आपस में मिलकर आपके स्टोन का फॉर्मेशन करते हैं। दोस्तों नमक से बनी कोई भी चीज़ आपको नहीं लेना है या फिर कम लेना है, जैसे कि चिप्स हो गया, फास्ट फूड हो गया और जो फ्राइड अदर चीज़ें आती है जिसमें कि नमक जाता होता है उनको कम करना है। दोस्तों दूसरे नंबर पे जो चीज़ अवॉइड करना है, ऐसी सब्जियां या फल जिसमें ऑक्सैलेट की मात्रा ज़्यादा पाई जाती है। सब्जियों में सबसे पहले नंबर पर आता है पालक, बंद गोभी, पत्ता गोभी, बैंगन, टमाटर, सोयाबीन, भिंडी और इन सभी जो ग्रीन लीफी वेजिटेबल होती हैं, और शकरकंद, चुकंदर, इन सभी का उपयोग कम। बात करें तीसरे नंबर पे तो तीसरे नंबर पर हमारे को ड्राई नट्स आते हैं, ड्राई फ्रूट आते हैं, जैसे कि बादाम हो गया, काजू हो गया, चोको फ्रूट हो गया और अखरोट हो गया। इनका भी इस्तेमाल कम करना है क्योंकि इनमें भी हाई अमाउंट में या ज़्यादा अमाउंट ऑक्सैलेट पाया जाता है। फोर्थ नंबर पे आपको ऐसे डाइट को फॉलो करना है जिसमें कि कम से कम शुगर हो या शुगर ना हो, क्योंकि अगर शुगर की मात्रा आपके शरीर में ज़्यादा बढ़ जाएगी तो वो किडनी स्टोन के फॉर्मेशन को बढ़ा सकती है। दोस्तों पांचवें नंबर पे आप बहुत सारे लोगों से सुने होंगे कि टमाटर, बैंगन, इन सभी चीज़ों का उपयोग ना करें। तो मैं बता देता हूँ इन सभी चीज़ों का उपयोग क्यों नहीं करना चाहिए, क्योंकि इनमें ज़्यादा अमाउंट में इनके जो बीज होते हैं उनमें कैल्शियम ऑक्सैलेट पाया जाता है, इसी वजह से इनको कम से कम खाने की सलाह दी जाती है। दोस्तों बहुत सारे लोग ये भी सोचते रहते हैं कि हम अंडा खा सकते हैं कि नहीं, सेब खा सकते हैं कि नहीं, बनाना खा सकते हैं कि नहीं। तो दोस्तों अंडे का आप उपयोग कर सकते हैं पर एक अंडे से ज़्यादा का उपयोग नहीं करें, क्योंकि दोस्तों क्योंकि इसमें प्रोटीन पाया जाता है जो कि यूरिक एसिड की मात्रा को बढ़ा देता है, जिसकी वजह से आपके स्टोन फॉर्मेशन बढ़ सकता है। और दोस्तों कई लोग सवाल करते हैं कि हम एप्पल का उपयोग कर सकते हैं कि नहीं, मतलब सेब खा सकते हैं कि नहीं। तो सेब आप खा सकते हैं, अगर आप एक सेब खाते हैं तो आपके स्टोन फॉर्मेशन को कम करेगा, पर ज़्यादा अमाउंट में इसका उपयोग नहीं करना चाहिए। दोस्तों छठे नंबर पे जिस चीज़ को अवॉइड करना है वो है पैक्ड फूड और प्रोसेस्ड फूड। दोस्तों कंपनियाँ जो पैक करके आपको फूड देती हैं जैसे कि चिप्स हो गया और नट क्रैकर्स हो गए और बहुत सारी चीज़ें जो नमकीन उमकिन आती हैं, ये सारी चीज़ें जो भी पैक आती है, जो भी प्रोसेस्ड फूड होता है जो कि आपको डायरेक्ट नहीं मिल रहा है, पैक करके मिल रहा है, उससे आपको अवॉइड करना है। साथ में आपको कोल्ड ड्रिंक भी अवॉइड करना है क्योंकि कोल्ड ड्रिंक में हाई अमाउंट में शुगर पाया जाता है जो कि काफ़ी ज़्यादा आपके लिए नुकसानदायक भी होता है, उसमें नमक भी ज़्यादा अमाउंट में पाया जाता है। दोस्तों सातवें नंबर पे आता है कौन से अनाज या कौन सी दालों का उपयोग हमें कम करना है। तो आप चने की दाल का उपयोग कम करिए, उड़द की दाल का उपयोग कम करिए और कच्चा चावल का उपयोग बिल्कुल कम करें, क्योंकि अगर आप इनका ज़्यादा अमाउंट में इस्तेमाल करेंगे तो आपके स्टोन का फॉर्मेशन नहीं कम होगा बल्कि बढ़ता जाएगा। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको ज़रा सा भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए ताकि ये जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मिल सके, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि मैं ऐसा एक वीडियो डेली अपने चैनल पर लेके आता रहता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।